वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ चंद्रीमा। मैं हूँ चंद्रीमा। आज की हमारी रेसिपी है दूध पूली पीठा। जी हाँ, ये बहुत ही ट्रेडिशनल एक बंगाली रेसिपी है जो बंगाली मंथ पौष मास यानी कि पौष के जो संक्रांति होती है यानी कि जो एंड डेट होता है मंथ के उसमें इसे बनाया जाता है। ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल डिश है और ये इस न्यू ईयर की मेरी सबसे पहली स्वीट डिश रेसिपी है। इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हुए कैसे आप बहुत ही ज़्यादा नरम और जूसी बना पाए वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कोकोनट को ग्रेट करके ले लिया है। अब एक पैन में हम जो पीठा है उसका पूर पहले रेडी कर लेते हैं। पूर यानी कि जो फिलिंग, जो पीठे के अंदर जो फिलिंग जाएगा उसको रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी लिया हुआ है। आप चाहे तो नॉनस्टिक ना यूज़ करके कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जैगरी यानी कि जो आखिर गुड़ होता है उसको 300 ग्राम डाला है। ये बहुत ही स्टिकी एक गुड़ होती है और बहुत ही इजीली अवेलेबल भी होती है। पानी में इसको हमें धीमे आंच पर अच्छे से एक सिरप जैसा बना लेना है। इसको अच्छे से एक बॉयल दे देंगे हम पर लो फ्लेम पे ताकि ये गुड़ जो है वो जल ना जाए। जब ये थोड़ी सी स्टिकी कंसिस्टेंसी में आ जाए उसके बाद जो हमारे ग्रेटेड कोकोनट है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप चाहे तो गुड़ की जगह पे चीनी भी यूज़ कर सकते हैं पर ट्रेडिशनल तरीके से इसे गुड़ से ही बनाया जाता है। अब देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि जो पूरी हमारी जो जैगरी है यानी कि जो गुड़ है इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। और इसके बाद यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। जी हाँ, दूध का जो पाउडर हमें बाज़ार में बहुत ही इजीली अवेलेबल मिलता है। आप इसकी जगह पर खीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खोए का, पर ये मेरे पास बहुत ही इजीली अवेलेबल था इसीलिए अगर आपके पास खोया नहीं है तो मिल्क पाउडर डाल दीजिए, सेम इफ़ेक्ट आपके खाने में आ जाएगा। अभी इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्टिकी कंसिस्टेंसी में आ चुकी है और पूरा जो हमारा जैगरी है, गुड़ है, वो नारियल में चला गया है। ऐसी ही एक सूखी कंसिस्टेंसी हमें बनानी है। तो लीजिए, हमारी जो फिलिंग है या फिर जो हमारे पीठे का जो पुर है वो रेडी हो चुका है। अभी इसको हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। मैं दिखा दूंगी आपको इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्टली कैसी होनी चाहिए। अगर आप इस नाप से बनाएंगे तो आपको ऐसी कंसिस्टेंसी जैसे कि नारियल के लड्डू भी आप इससे बना सकते हैं, वैसी कंसिस्टेंसी में हमारा पुर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब बनाते हैं पीठे का एकदम सॉफ्ट डो। उसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप पानी ले लिया है और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सॉल्ट यानी कि नमक के डाल दिए हैं। पीठे को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे उसके बैटर को तो नेक्स्ट डे तक आपका जो पीठा है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। यहाँ पे मैंने 1.5 कप यानी कि 1.5 कप चावल का जो आटा है वो लिया हुआ है, राइस फ्लावर। अभी इसको पानी के साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं और 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। अभी इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने जो हमने रोटियाँ या फिर पराठे को सॉफ्ट बनाने के लिए जो गर्म पानी यूज़ करते हैं और उसके साथ जो नमक यूज़ करते हैं वही से लिया हुआ है।
तो इस तरीके से अच्छे से हमें स्पैचुला से इसको मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे और एकदम से सॉफ्ट डो हमारा बन के रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं वैसे ही एक सॉलिड कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये एकदम रेडी है, आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़े से फ्लावर के साथ, यहाँ पे मैंने व्हाइट फ्लावर रखा हुआ है 1 चम्मच और 2 चम्मच यहाँ पे जो चावल का आटा है, यानी कि 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच चावल का आटा ऐसे ही मिला के रखा है। अभी इसको 3 टेबलस्पून इसके अंदर दे के हमें अच्छे से एक डो ऐसे अपने हाथों से बना लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। अब देख सकते हैं डो हमारा परफेक्टली रेडी हो चुका है। कुछ ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी दिखेगी। तो चलिए अब पीठे को शेप देते हैं। शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑयल ले लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे वाइट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और उसके साथ जो पहले ही फिलिंग हमने बनाई थी नारियल से, यहाँ पे मैंने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और उसके बाद एक छोटा सा शेप, छोटा सा पोर्शन हम ले रहे हैं और हाथों से इसको ऐसे शेप करेंगे जिस तरीके से हम रोटी या फिर कचौरी में जब फिलिंग भरते हैं उसी तरीके से कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी चम्मच से थोड़ी सी फिलिंग लेके इसको हमें साइड पार्ट को ऐसे चिपका देना है। इसके लिए आपको पानी या फिर और कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। तो और कुछ चीज़ें आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटा पोर्शन ले, एक शेप मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, अभी दूसरा शेप मैं अभी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटा, छोटी सी क्वांटिटी में आप जो फिलिंग है वो डालें। उसके बाद अपने हाथों से साइड को ऐसे प्रेस कर दें और मिडल में कभी भी प्रेस मत कीजिए, वरना जो फिलिंग है वो निकल के बाहर आ जाएगी। और साइड से आप देख सकते हैं इस तरीके से अब डिज़ाइंस बनाइए। और एकदम साइड्स को मैंने थोड़ा सा नोकीला कर दिया है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। इसी तरीके से हम काफ़ी सारे बना लेंगे। अभी और एक शेप मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनानी है तो ये शेप बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे ही थोड़ा सा पोर्शन मैंने लिया है और पहले जैसे एक गोल यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद जो हमारी फिलिंग है आप देख सकते हैं, फिलिंग को मैंने एक सिलिंड्रिकल शेप में डाल के इसके अंदर डाला और साइड पार्ट को अच्छे से हमने कवर किया और हाथों को ऐसे इसको सिलिंड्रिकल शेप देते हुए ऐसे घुमा दिया। बस रेडी है हमारी दूध पूली का शेप। जो हमारा पीठा है वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको साइड पार्ट में ज़्यादा वाइट पोर्शंस नहीं पसंद है तो उसको थोड़ा सा निकाल दीजिए, तो फिर आप जब भी पीठे को खाएंगे तो बीच में बहुत ही अच्छी फिलिंग आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं जो हमारी दूध है यानी कि जो खीर दूध है उसको बहुत ही इजीली कैसे बनाएं, यानी कि हमारे पीठे का जो सिरप है। पहले यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध यूज़ किया है। आप दूध को कभी भी बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना डालें। यहाँ पे मैंने 2 हरी इलायची डाली है, ये मुझे पर्सनली पसंद है, इसलिए आप चाहे तो इसे कोई भी फ्लेवर नहीं डाल सकते हैं इसमें। और इसको इंस्टेंटली खीर जैसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा पोर्शन इस गर्म दूध के मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे एक कटोरी में।
ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब दूध भी बॉयल होते होते काफ़ी हद तक कम हो चुका है और आँच को धीमा रखते हुए यहाँ पे हम सारे जो हमारे पूली है वो दूध के अंदर डाल देंगे। फ्लेम को आप लो ही रखें वरना ये फट जाएंगे। अब इसको फ्लेम को लो रखते हुए 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दें, बिल्कुल ना हिलाए, और ये बाहर से एकदम पक जाएंगे क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी थोड़ा सा कुक्ड थे। यहाँ पे मैं प्लम जैगरी यानी कि जो ताल पाटाली होती है वो गुड़ यूज़ कर रही हूँ। उसका मैं हाफ पोर्शन ऐसे ग्रेट करके एक कटोरी में निकाल रही हूँ और उसके ऊपर मैंने जो गरम दूध पहले से निकाल के रखा था उसको देके अभी हम एक अच्छा सिरप बनाएंगे गुड़ का। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है इसलिए मैंने हाफ डाला है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा भी डाल सकते हैं। तो देखिए 10 मिनट तक अच्छे से कुक होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। अभी ये पूरी तरीके से कुक्ड है, आप देख सकते हैं ये एकदम सॉलिड हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। इस स्टेज पे आपको मैं दिखा रही हूँ, अब जो हमने पहले से सिरप बना के रखा था उसको हम यहाँ पे मिला देंगे। गुड़ को कभी भी डालने के बाद फ्लेम को ऑन मत रखिए वरना जो दूध है वो फट सकते हैं, फिर तो वो छेने जैसे बन जाएंगे, इसीलिए हमेशा फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और इसको अभी हम ठंडा होने देंगे। तो रेडी है एक बंगाली डेलिकेसी दूध पूली पीठा। ज़रूर एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, और अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करके मुझे बताइए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये रेसिपी। अभी एक जो हमारी दूध पूली पीठा है वो मैं आपको नेक्स्ट डे ऐसे देखिए कट करके दिखा रही हूँ। ये अभी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये एकदम सॉफ्ट रहेंगे, एकदम जूसी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ के लिए ज़रूर देखते रहें। नए नए टेस्टी फूड रेसिपीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की हर रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ढेर सारे टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।